हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी पार्किंसोनियन जो ड्रग है हमारे पास, वो एक ड्रग के बारे में बात करेंगे, वो है लिवोडोपा। यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, होती क्या है कि जो लिवोडोपा ड्रग होती है हमारे पास, ये लिवोडोपा ड्रग क्या काम करती है कि जो लिवोडोपा ड्रग होती है, ये लिवोडोपा ड्रग हमारे ब्रेन के अंदर जो डोपामिनर्जिक सिस्टम होता है, जो कि डोपामिन को रिलीज करने का काम करता है, तो उसको क्या करती है, इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो लिवोडोपा होती है वो क्या होती है, डोपामिन की प्रीकर्सर होती है। इसका मतलब क्या है कि जो लिवोडोपा जब आप ड्रग लेते हो तो बॉडी के अंदर लिवोडोपा से किसका फॉर्मेशन होता है, डोपामिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि अगर किसी पेशेंट को पार्किंसोनियन की डिजीज है और पार्किंसोनियन डिजीज का हमें कॉज पता नहीं है, मतलब कि वो इडियोपैथिक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन ड्रग होती है, वो भी हमारे पास कौन सी होती है, लिवोडोपा होती है। ठीक है, अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मोड ऑफ एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, तो ध्यान से देखना कि जो लिवोडोपा ड्रग होती है, देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ये जो है हमारे पास ये वाली लाइन, ये क्या है हमारे पास, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ये है हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ये लिवोडोपा जब कोई पेशेंट लेता है, ठीक है, तो लिवोडोपा की क्या आदत होती है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है। ठीक है, और क्या होती है कि ये पेरिफेरी के अंदर भी यूज हो सकती है। अब हमें कहां पे चाहिए इसका एक्शन, हमें चाहिए इसका ब्रेन के अंदर एक्शन, मतलब हम इसको क्रॉस करवा के आगे काम करवाना चाहते हैं। बट होता क्या है कि जो लिवोडोपा होती है, ये पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये डोपामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये पेरिफेरी के अंदर डोपामिन के अंदर कन्वर्ट होती है, तो यहां पर क्या करती है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस इतना नहीं कर पाती जितना कि ये पेरिफेरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है डोपामिन के अंदर। और जो हमारा कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है और जो हमारा डोपामिन का रिसेप्टर होता है, उस पर ये एक्ट करती है और क्या करती है, कई सारे साइड इफेक्ट पैदा करती है। ठीक है, कौन कौन से साइड इफेक्ट पैदा करती है कि आपको पता है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन पर जब कोई ड्रग एक्ट करेगी तो वो काम क्या करती है, वो नोजिया वोमिटिंग का काम कराती है। ठीक है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या हो गया हमारे पास, नोजिया वोमिटिंग। दूसरा क्या है कि ये क्या काम करेगी, जब ये हार्ट पे काम करती है, ठीक है, डोपामिन जब ये हार्ट पे काम करेगी तो उस पर क्या काम कराएगी, कि ये टेकिकार्डिया कॉज करेगी और पेल्पिटेशन कॉज करेगी। इसके अलावा क्या है कि ये ब्लड वेसल्स पे भी काम करती है, और ब्लड वेसल्स पे काम करके क्या करती है, मेन पोस्टुरल हाइपोटेंशन कॉज करती है। इसके अलावा एरिथमिया भी कॉज करती है ये। बट हमें कहां पे चाहिए एक्शन, हमें चाहिए हमारे ब्रेन के अंदर एक्शन। ठीक है, कोई पेशेंट है, किसी पेशेंट को पार्किंसोनिज्म है, तो उसका क्या है, मतलब बेसल गैंग्लिया के अंदर कोई डिस्टरबेंस है, तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर काम में लेना है। तो जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी लिवोडोपा, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने पर क्या होगा कि जो ब्रेन के अंदर डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, ये लिवोडोपा को डोपामिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या होगा, बेसल गैंग्लिया के अंदर जो D2 रिसेप्टर होते हैं, D2 रिसेप्टर मींस डोपामिन के जो रिसेप्टर होते हैं, ये डोपामिन उनके साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, और इंटरेक्ट करके क्या करेगी कि जो पार्किंसोनिज्म के जो सिम्टम्स है उनको रिलीव करेगी। ठीक है, बट होता क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब आप लिवोडोपा लेते हो तो लिवोडोपा का मेनली जो यूज होता है वो पेरिफेरी के अंदर हो जाता है। ठीक है, ये ब्रेन के अंदर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर जा पाती है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि पेरिफेरी के अंदर इसका यूज नहीं हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसके साथ लिवोडोपा के साथ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, एक और ड्रग लेते हैं जिसका नाम है कार्बिडोपा, या कार्बिडोपा तो सबको याद रहता है, एक और ड्रग आती है वो है बेंसेराजाइड। ठीक है, तो ये ड्रग क्या काम करती है, ये ड्रग पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करती है। अब आपको पता चल गया कि अगर इसने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, इसका पेरिफेरी में यूज नहीं हो पाएगा, तो ये सीधा कहां पे चला जाएगा, ब्रेन के अंदर चला जाएगा और इसका पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी जो है हमारे पास क्या हो गई, मोड ऑफ एक्शन हो गया। अब हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हम इसको जब ओरली लेते हैं तो होता क्या है कि
कि ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो ये किसके सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, ये हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो लिवोडोपा होता है, वो लिवोडोपा क्या है कि हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे अमाइनो एसिड होते हैं, तो ये लिवोडोपा के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, इसके साथ कम एब्जॉर्प्शन करने देते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या करते हैं कि जो खाना खाने से पहले इस ड्रग को लिया जाता है, जिससे कि 30 से 60 मिनट 30-60 मिनट के बिफोर मील, ठीक है, तो इसको हम यूज लेते हैं। तीसरी बात क्या है कि अगर हम बात करें कि लिवोडोपा है, लिवोडोपा जो लीवर है उसके अंदर क्या हो गई, मेटाबोलाइज हो गई, इसके बाद क्या होगा, मेटाबोलिक जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट्स का नाम क्या होता है, उन दो प्रोडक्ट्स का नाम ध्यान रखना, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूं। एक तो है हमारे पास होमोवैलिनिक एसिड, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कौन सा, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, ठीक है। तो ये जो दो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखना कि दो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, एक है होमोवैलिनिक एसिड और एक है हमारे पास 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, ठीक है। और जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो फ्रेंड्स यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं लिवोडोपा के एडवर्स इफेक्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको मोड ऑफ एक्शन के अंदर पूरा बताया था कि जब इसका पेरिफेरी में यूज होता है तो ये केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन के साथ क्या होती है, इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन पैदा होती है, ठीक है। तो नोजिया वॉमिटिंग ये इसका एडवर्स इफेक्ट हो गया, ठीक है। एनोरेक्सिया भी इसके अंदर आता है। दूसरी बात मैंने बताई थी हार्ट पे काम कर रही थी, उसकी वजह से ये पोस्टरल हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, पेल्पिटेशन, ठीक है, ये से कई सारे कोज करती है। तीसरा काम क्या करती है, तीसरा एडवर्स इफेक्ट इसका ये भी हो सकता है कि ये डिस्काइनेसिस, ठीक है, जो है उसको ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। डिस्काइनेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एबनॉर्मल इनवॉलेंटरी जो मूवमेंट्स होती है वो हमारी क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है हमारे पास ये टेस्ट सेंसेशन के अंदर भी क्या कर देती है, चेंजेस ला देती है। इसके अलावा क्या है कि ये मेंटल चेंजेस भी करती है, ठीक है, मेंटल चेंजेस के अंदर जैसे कि कन्वल्जन्स पैदा कर देती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। इसके बाद इसका जो छठा वाला हमारे पास एडवर्स इफेक्ट है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, फ्लक्चुएशन इन रेस्पॉन्स, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से समझना, फ्लक्चुएशन इन रेस्पॉन्स। इसके अंदर होता क्या है वो देखिए आप। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो पार्किंसोनियन जो डिजीज है इसका जो पेशेंट होता है इसको ये लिवोडोपा की थेरेपी क्या होती है, बहुत लंबी चलती है, ठीक है, 3-5 साल तक लेने के बाद क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, उसका जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, पुअर हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जो पेशेंट के सिम्टम होते हैं, ठीक है, जो पार्किंसोनियन के जो सिम्टम होते हैं उसके अंदर कई सारे चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं, फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये फ्लक्चुएशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एरो करके दो पार्ट बना रखे हैं, एक है हमारे पास वियरिंग ऑफ जो एंड ऑफ डोज की टाइम पे होता है और दूसरा होता है हमारे पास ऑन ऑफ फिनोमिना। देखिए वियरिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब किसी पेशेंट ने, ठीक है, एंड ऑफ डोज मतलब कोई ड्रग आपने ली, लिवोडोपा जो ड्रग है आपने ली, ठीक है, या पेशेंट ने ली, तो उसके टाइम पे क्या होगा, उसका जो सिम्टम होगा वो खत्म हो जाएगा। बट क्या होगा, धीरे धीरे जब उसका डोज का इफेक्ट कम होता जाएगा, जब उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फिर से जो सिम्टम होंगे वो पैदा होते जाएंगे, ठीक है। तो ये वियरिंग ऑफ जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन लिवोडोपा की कम होने की वजह से होता है, ठीक है। और ये कब होगा, एंड ऑफ ए डोज इंटरवल, मतलब आपको मान लो दो गोली लेनी है सुबह और शाम, तो जो शाम के टाइम पर जो गोली लेनी है उससे पहले का जो टाइम होगा उस टाइम पर ये आपको देखने को मिलेगा ये कंडीशन। दूसरी बात होती है ऑन ऑफ फिनोमिना। ऑन ऑफ फिनोमिना के अंदर क्या होता है, ऑन ऑफ फिनोमिना के अंदर हमारे पास दो चीजें आती है, एक होता है बींग ऑफ और एक आता है बींग ऑन। बींग ऑफ क्या होता है कि जब आपने ड्रग ली, ठीक है, जब आपने ड्रग ली तो क्या होगा,
कि जो पेशेंट के जो सिम्टम है वो तो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे बींग ऑन, ठीक है। मतलब टेबलेट लेने पर जो सिम्टम है वो चले गए, उनसे रिलीफ मिल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बींग ऑन। और जब वो डोज खत्म होगी, ठीक है, तो उस टाइम पर जो कंडीशन पैदा हो गई, जब डोज का असर खत्म होने लगा धीरे धीरे, तो वो जो कंडीशन है वो कौन सी हो गई हमारे पास, बींग ऑफ। तो ये जो फिनोमिना होता है, ये फिनोमिना हम बोलते हैं ऑन ऑफ फिनोमिना। मतलब सिम्टम आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रही है सिम्टम्स के अंदर। और जो पेशेंट है उसका कंट्रोल कौन सा हो गया, पुअर हो गया, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो सिम्टम है, अब वो लिवोडोपा के लिए इतना वो रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब लिवोडोपा ले रहे हो आप तो ठीक है, आपने लेने के बाद जो है थोड़ा टाइम निकला, दूसरी डोज ली, उसके पहले कई सारे सिम्टम आ जाएंगे। तो ये कंडीशंस होती है इसके अंदर एडवर्स इफेक्ट में, जिसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशंस इन रेस्पॉन्स, ठीक है। अब हम लास्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं, हमारे पास फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में क्या है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि लिवोडोपा को हम कार्बिडोपा के साथ देते हैं, इनका जो रेशियो है वो कितना रहता है, या तो 4:1 रहता है या फिर 10:1 होता है। और मैंने कार्बिडोपा के अलावा आपको एक और ड्रग का नाम बताया था, वो है हमारे पास बेंसेराजाइड। तो लिवोडोपा को हम बेंसेराजाइड के साथ भी देते हैं कॉम्बिनेशन में, सेम कॉम्बिनेशन है 4:1 का 4:1 का, ठीक है फ्रेंड्स। ये फिक्स डोज जो कॉम्बिनेशन है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हमने जो बना रखा है, इसके हमारे पास एडवांटेज क्या क्या है, सिंपल सी बात है। इसके एडवांटेज में क्या है कि हमारे पास जो डोपामिन है, उस डोपामिन की बायो अवेलेबिलिटी जो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप कार्बिडोपा के साथ दोगे इसको, तो ये क्या है, पेरिफेरल यूज को रोक देगा, ठीक है, कार्बिडोपा, तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई। दूसरी बात क्या है कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ठीक है, मतलब सॉरी, जो प्लाज्मा टी हाफ है, ठीक है, हाफ लाइफ होती है लिवोडोपा की, वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तीसरी बात क्या है कि जब आप कार्बिडोपा दे रहे हो तो पेरिफेरल यूज ज्यादा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से जो सीटीजेड जो रिसेप्टर है हमारे पास, और इसके अलावा जो मैंने बताया था कि डोपामिन के जो रिसेप्टर है, ठीक है, पेरिफेरी के अंदर, उन पर ये इतना एक्ट नहीं कर पाएगा डोपामिन, तो इसकी वजह से क्या होगा, साइड इफेक्ट भी कम हो जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो डोपामिन को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया था इसका एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑफ फिनोमिना, ठीक है, ऑन ऑफ फिनोमिना की कंडीशन भी क्या होती है, घट जाती है। तो ये हमारे पास इसके एडवांटेज हो गए। तो ये एडवांटेज आपसे पूछ लेते हैं, कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है ड्रग इंट्रेक्शन के बारे में, लिवोडोपा कार्बिडोपा का ड्रग इंट्रेक्शन कैसे होता है, मोड ऑफ एक्शन कैसे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिवोडोपा के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए, और चैनल को जो वीडियो है उसको लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।